दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से फ्लिपकार्ट पे लेटर का टाइप खत्म हो चुका है, कोलैबोरेशन जो है खत्म हो चुका है और ये बंद हो चुका है। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे सैमसंग फोन है, उसको हम खरीदना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्किप एंड कंटिन्यू हो, फिर यहाँ पर जो है ऑर्डर समरी आएगा नेक्स्ट में, उसके बाद जो है यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं पहला ही ऑप्शन फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ उसका टाइप था, मगर जो है अभी खत्म हो चुका है और परमानेंटली बंद हो चुका। तो देखिए यहाँ पे हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी ओपन करके रखे हुए हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर लोन्स का ऑप्शन है, वहां चले जाते हैं। देखिए लोन्स वाले ऑप्शन में जैसे जाएंगे देख सकते हैं यहाँ पे अप्रूव्ड लोन मेरा जो है, यहाँ पर देख सकते हैं पे लेटर ऊपर लिखा हुआ है, लोन एसी नंबर लिखा हुआ एक्टिव, और 50,000 का जो मैंने फ्लिपकार्ट पे लेटर में जो दिखा रहा वही यहाँ पर शो हो रहा कि मुझे इस तरह का मिला हुआ। अब देखिए दो ईएमआई मेरा किया हुआ है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए नेक्स्ट ईएमआई 5 सितंबर 2024 और 2964 रुपया है पहला का, उसके बाद 2334 रुपया पहला दूसरा का है मतलब। तो इस तरह से देखिए दो ईएमआई भी मैंने किया है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने जो बताया था कि पे लेटर ईएमआई का यूज करके मोबाइल फोन कैसे खरीदना है, तो वही ईएमआई यहाँ पे शो हो रहा है और ये मेरा 50,000 का लिमिट जो है अप्रूव्ड है फ्लिपकार्ट पे लेटर वाला, यहाँ पे आईडीएफसी बैंक में शो हो रहा है। तो गाइस कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए बहुत सारे लोगों का बंद हो चुका है फ्लिपकार्ट पे लेटर, बहुत सारे लोगों का चालू। यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट ने कुछ सिस्टम को चेंज किया है, इस वजह से बंद हो चुका है और आपको एक ही काम करना है कि वेट करना है, आपको कभी ना कभी फिर दोबारा ऑफर आएगा। हो सकता है आईडीएफसी बैंक वाला लोन नहीं मिले, मगर किसी ना किसी दूसरे से टाइप करके आपको ये ऑफर जरूर मिलेगा। अभी जो है फ्लिपकार्ट जो है फ्लिपकार्ट पे वाला भी ऑप्शन लाया है, उसमें भी आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लोन एंड पे लेटर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी जो है आपको ऑफर देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही अपने सिस्टम को फ्लिपकार्ट अपग्रेड करता है तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा।